हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद अंडी। आज मैं लेकर आई हूँ दही वाले आलू। ये इतना टेस्टी बनता है और आज हम इसे कुकर में बनाएंगे। बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट बनता है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। दही वाले आलू बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने छोटे वाले आलू लिए हैं, जिसे मैंने अच्छे से छील के इसे पानी में रखा है ताकि ये काले ना पड़े। और ये कच्चे आलू हैं, मैं क्योंकि कुकर में बना रही हूँ इसलिए मैं कच्चे आलू ले रही हूँ। आप चाहे अगर पैन में बनाना चाहें तो आप उबले हुए आलू भी ले सकते हैं। तो अब हमें लेना है फोक, यानी कि ये कांटे वाला चम्मच, और इसके साथ हमें इसके अंदर इस तरह से हर जगह से थोड़ा थोड़ा सा इसमें इस तरह से इसे होल्स करने हैं। तो सभी आलूओं को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो अभी ये तैयार है, तो चलिए आगे देखते हैं हमें क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने कुकर को गर्म कर लिया है और इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने तेल ऐड किया है, और अब इसमें हम आलू को डाल देंगे। तो मीडियम फ्लेम पे मैं इसे 2 मिनट के लिए पका लूंगी। तो 2 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड करूंगी। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हरा धनिया, और अब मैं इसे इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका दूंगी। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, आलू को हमें निकाल लेना है। तो जितने तेल बचे हैं उसी तेल में हम खड़े मसालों को ऐड करेंगे। खड़े मसालों में मैंने लिया है दालचीनी, 2 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च के दाने, तेज पत्ता और 1 हरी इलायची। अब ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा। अब ऐड करना है 2 कटे प्याज। दो से तीन मिनट के लिए इसे मैं पकने दूंगी। तो 2 से 3 मिनट प्याज को पकाते हुए हो गया है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी क्रश किया हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, थोड़े से कड़ी पत्ते। अब ऐड करेंगे थोड़े से मसाले। तो हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, पहले भी थोड़ी डाली है, लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, थोड़ा सा गर्म मसाला, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1 चम्मच हम ऐड करेंगे सब्जी मसाला। मिक्स करेंगे, तो मसाले जले ना इसलिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। गैस को हम एकदम लो पे रखेंगे और अब ऐड करेंगे हम दही। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम दही लिया है, इसे ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही को मिक्स करने के बाद आलू को ऐड कर देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, हरा धनिया, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें मैं 1 छोटा ग्लास पानी और ऐड करूंगी। कुकर को मैं बंद कर दूंगी। इसे हमें 3 से 4 सीटी तक पका लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पे मैंने 3 सीटी के बाद इसे बंद कर दिया है। इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुकर को ठंडा कर लिया है, इसका हवा निकल गया है, अब हम कुकर को ओपन करते हैं। तो आप देख रहे हैं दही वाले आलू बनके तैयार हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक, पहले मैं नमक ऐड करना भूल गई थी, तो अभी ऐड कर देते हैं गरम गरम सब्जी में, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अब इसे गर्मा गर्म सर्व करें। तो आपने देखा गर्मा गर्म दही आलू की सब्जी बनके तैयार हो गई है। इसे कुकर में बनाना बहुत आसान है, कोई झंझट नहीं है, बस थोड़ी सी देर में ये बनके तैयार हो जाता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप इसे लंच के लिए, डिनर के लिए बना के दे सकते हैं। गर्मा गर्म आप इसे परोसिए पूरी, पराठा, रोटी या राइस के साथ, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद अंडी पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।